संत दर्शन सिंह जी घनूपुर काले वाले महापुरुष हुए ने अपने महाराज जी बड़े बंदगी वाले आते होंगे इतने खुबिया नंगल जो पहली बारी आए कहते चेता है मैं कहा जी दसो मैं पता से भी यह जहाँ महान हस्तियाँ को चुप ही चंगा होंगे मैं दसो महाराज जी कहते इतनी साड़ी खोई होंगी सी मैं कहा जी 50 साल होए पूर दी गई इतने साड़िया झौंपड़ियाँ होंगे सी इतों नदी तो आप पानी पीते होंगे सी अपना कट्ठे ही होंगे सी इन्ने रिखी होंगे सी दुआपर विच मैं कहा अपनी जगह वे आइए जो लगे पिछलिया कहानियां सुना ब्रह्म ज्ञानी महापुरश हो कल जिक्र होया सी ते मस्कीन जी दस रहे सी जो आते होंगे उधर गाजीपुर के इलाके चो तो शेर होंगे तो शेर बड़ा दुखी किया कहते उन्हू मारता कदे उन्हू मारता सरकारी बंदे लगे फड़न वो शेर संतों को आ गया दर्शन सिंह जी महाराज जी को तो उन्हें कह लिया बाबिया पैजू बाबिया कोई शेर नहीं पैंता होंगे लोगों को भुलेखा है वो तो सब हुक्म की खेड है सो वो आया तो डरन भी लै संत बैठे ने कुटिया च हूँ की बनू कहते बह जा उन्हें अपना सिर गोदी च रख दिता तो उन्होंने प्यार देते कहते भलिया चंगे काम करया कर किसी नू मारी ना चंगे काम करी दे है उत्थे फिरदा रहिंदा सी गाइयां मझां वांग फिर तां ना उन्हें किसी नू खादा ऐसे ऐसे महापुरश किते किते कोई रमज किते किते ऐसा बड़ा जी दा प्यार तां उत्थे आए पता है तेन अमकार की हों टिमकार ही ज्यों लगे ना गिण रिखियां दे इतें रेंदे होंगे साडा तपो स्थान है ऐसा है ऐसा है सो आप जी ने एक वचन किया कहते जी जिन्हों का गुरु पूरा होंगे तो गुरु वाले होंगे ने कहते दावे ना कह देंगे अंज होएगा जा लाला जोर जोड़ा लगते कहते माण है पंजाबी कहावत है कहते अच्छा तेरा किला तकड़ा भाई है ना वो जोड़ा है ही नगुरा उन्होंने भावें जम लै जाऊ कौन